अस्सलाम वालेकुम। कल रात जो है फरीसा मोहल्ले में बी एन टैग इसके पीछे यहाँ सीसी कैमरे नहीं रहने के कारण तकरीबन अब तक एक 25 से 30 गिलासा कारा के गिलासा फोड़ते हैं। इधर ज़्यादातर आपको आटोस में रहते, गाड़ियों के रहते और पेट्रोल चुराना, चोरी के काम बहुत सारे हो रहे हैं। मैं हमारे आली जनाब आधोनी के DSP साहब से, RDO साहब से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इधर जल्द से जल्द CC कैमरे लगा को जो भी इनका नुकसान करे हैं, देखिए जो भी इनका नुकसान करे हैं, ये नुकसान का भरपाई हुए सर का उनको, उन लोगों को पकड़ को काउंसलिंग देखो, क्या मतलब क्या है उनका, उनका मकसद क्या है। लोग कोई भी आता, हर कोई आगो क्या सो भी ड्राइवर काम करने वाले हो नो, इनके ओन गाड़ियाँ भी नहीं, महीने को 4,000-5,000 इनका तनख्वाह रहती है, इन्हों कहाँ से लागे ये गाड़ी का 25,000-20,000 इसका गिलास पड़ता है, इसे कौन बन सकते इसे, इनकी ताकत नहीं है। इसलिए मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे आधोनी DSP साहब से और हमारे आली जनाब टूटोन के CA साहब से और RDO साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन ले को, ये इनका भरपाई हुई है सर का, उन लोगों जो भी करे हैं उनको कम से कम ये उनको काउंसलिंग देगो, उन जो गलत करे हैं उनके ऊपर एक्शन ले को, उन CCTV कैमरे लगाए तो बहुत अच्छा रहता। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गड्डा फखरुद्दीन, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक बात कर रहा हूँ फरसा मोहल्ले से बी एन टैग इस बैक साइड। मेरा नाम रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक है और मैं इसका गाड़ी का ड्राइवर हूँ। ये गाड़ी का AP30 AB 2163 मेरी ये गाड़ी नंबर है। ये गाड़ी का ऐनक फोड़े और सामने का भी फोड़े थे ऐनक, और उसको भी करा लिया, फिर बैक का भी फोड़े, अब इसको भी अब चोर को पकड़ नहीं पा रहे। इससे पाँचवा बार मेरा इससे ऐनक फोड़ने से और दूसरे के भी फोड़े और चोरी भी करे, अब उनको पकड़ नहीं सक रहे। और पैसे 10,000 कैश रखा था इमरजेंसी के खातिर, रात में रखे गया था, बैटरी भी थी, बैटरी भी मार ली है और ग्लास भी फोड़े। अब उसको सर्च करना बोले तो उसको नहीं पकड़े जा रहा, CCTV कैमरा कंपलसरी रहना था, रहा तो चोर पकड़े जाता था। चोर अब सब यहाँ आज यहाँ ये लाइन पे करे और घर पे घुसे तो भी अब उसको पकड़ नहीं सकते हमें। इसलिए DSP से गुजारिश है कि यहाँ जल्द से जल्द कैमरा बिठाए और हमारा जो ये ग्लास फूटा, ये महंगाई फूटा, मैं ड्राइवर क्या करना, 500 रुपीज़ पर डे मेरी इनकम है और मैं क्या करना। अब उस DSP से गुजारिश है बस, मेरे कैमरा CCTV कैमरा फूटा, ये पार्किंग के लिए रख रहे थे हमें और ये पार्किंग नहीं रखना बोल के कर रहे, शायद क्या कर रहे नहीं मालूम। अब हमारे कैसा क्या तो रहा, तो हमें बोले तो भी निकाल लेते थे हमें, ऐसा नहीं पार्किंग गाड़े रहे बोले तो क्या बोलते, नहीं रात में आ रहे फोड़ रहे और जा रहे, किसको भी पकड़ने भी नहीं आ रहा। CCTV कैमरा रहा तो क्या थे गुजारिश रहता, अच्छा रहता था, और वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। DSP से गुजारिश है CCTV कैमरा बिठाए। ये BNS बैक साइड रोड परसमाला, इकड़ पट्ट पगले మా సామాన్లు పోతున్నాయి, బకెట్ పోతున్నాయి, స్టూళ్ళు పోతున్నాయి, నైట్ ఫుడ్ అమ్మ షాపుకుండా బోర్డులు కూడా ఇరగొట్టిపోతున్నారు. ఇక్కడ భద్రంగా మాకు అనిపించడం లేదు. కార్లు అద్దాలు పోతున్నాయి ఇక్కడ రాత్రి, మేము 9 వరకు ఉన్నా నైట్ వచ్చే పగలు కొడుతున్నారు. మాది అబి ఫింటర్స్, ఇక్కడ BNTX బ్యాక్ సైడ్ प्रभाकर ना पेरो। मेरा नाम है अलीम और मैं इधर BNTX पीछे रहता हूँ, फरसा मल्ला में मेरा एरिया है। अजमन में आपसे गुजारिश है कि इधर DSP साहब से और SI से जो इधर CCTV कैमरा लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो है सर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इधर CCTV कैमरा जो लगाए तो अच्छा रहता है। क्यों बोले तो इधर जो हम लोग पार्किंग लिए कार छोड़ते हैं तो मालूम नहीं वो कौन लाग आके फोड़ देते हैं, तो बेहतर है कैमरा लगाने से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर से। थैंक यू सर। मेरा नाम है अलीम और मैं मेरा मेला है फरसा मेला, मैं फरसा मेला से बात कर रहा हूँ।